हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑटो टेक कारवाल। तो आज हमारे पास मारुति सुजुकी वैगनार लेटेस्ट वेरिएंट है, पेट्रोल प्लस सीएनजी, कंपनी फिटेड सीएनजी है और गाड़ी हमारे पास रेगुलर सर्विस हो रही है। ये गाड़ी चल चुकी है 80,000 किलोमीटर, तो हम 80,000 वाली सर्विसेज में करने वाले हैं। तो कंप्लीट आप इस वीडियो में बने रहो, क्या क्या सर्विस में हम चेंज करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए सर्विसिंग में, ये आपको कंप्लीट इस वीडियो में दिखाएंगे। और इसमें सस्पेंशन में भी एक साइड में आवाज़ है, वो भी हम देखेंगे। तो गाइस, हमने गाड़ी लगा दी है अपनी लिफ्ट पे और गाड़ी का बोनेट कर दिया ओपन, और हमारे जो लड़के हैं अभी काम स्टार्ट करने वाले हैं और दिखाते हैं हम आपको कंप्लीट इस वीडियो में। आप कंप्लीट इस वीडियो में बने रहे, और जिसने भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे, आप लोगों तक वीडियोस पहुंचती रहे, आप लोगों तक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचती रहे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होती होगी मेरी वीडियोज़। सो गाइज, आप कंप्लीट इस वीडियो में बने रहो। और मेरा एक इंस्टा पेज है om.motors के नाम पे, नाम से, उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हो हमने सर्विसिंग स्टार्ट कर दी है। इग्निशन कोयल्स है इसकी ऊपर की, ये तीनों हमने इग्निशन कोयल्स खोल दिए हैं। इसका स्पार्क प्लग अब हम खोल रहे हैं। स्पार्क प्लग की कंडीशन हम आपको दिखाएंगे कैसी कंडीशन है। ये सेकंड नंबर स्पार्क प्लग, गाइज ये इसका एयर फिल्टर, काफ़ी डस्टी कंडीशन है, इसको तो चेंज करेंगे। फिल्टर्स तो मैक्सिमम सर्विस पे चेंज कर देने ज़्यादा बेटर है, इंजन परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। ये इसका एसी फिल्टर, केबिन फिल्टर जिसको हम बोलते हैं, इट शुड बी आल्सो चेंज। एंड द स्पार्क प्लग आई विल शो यू, ये देखो ये कंडीशन है स्पार्क प्लग की। आई थिंक ये चल जाएंगे, तो प्लग्स तो हम चेंज नहीं करेंगे, इनको एज इट इज़ क्लीन करके प्रॉपरली इनका गैप जो है प्लग का गैप सेट करके तब इसको फिटिंग करेंगे। और अब इसका सीएनजी फिल्टर भी 80,000 चल चुकी है, इट शुड बी चेंज। सीएनजी फिल्टर भी चेंज होना चाहिए। और क्या क्या चीज़ है वो हम आपको दिखाएंगे। अब गाड़ी उठाएंगे लिफ्ट के ऊपर और इसका जो ऑयल ड्रेन करेंगे, इंजन ऑयल, गियर ऑयल हम चेक करेंगे क्या कंडीशन है, और नीचे ऑयल फिल्टर होता है वो हम चेंज करेंगे। ये इसका ऑयल फिल्टर है जो सर्विस पे चेंज होता है, देख सकते हैं। अब इसका ऑयल ड्रेन करेंगे, चैम्बर नट है ये वाला, इसको खोल के चैम्बर्स का जितना ऑयल है वो प्रॉपरली ड्रेन करके फिर न्यू वन हम डालेंगे। गाइस, ऑयल हमने ड्रेन कर लिया है प्रॉपरली और हमारा ऑयल फिल्टर आ चुका है, ये देख सकते हो। ये न्यू वन हमारा ऑयल फिल्टर है MGP का, 94 rupees का, ये हम इसमें लगा रहे हैं प्रॉपरली फिटिंग करके, और इसको प्रॉपरली टाइट करेंगे ताकि यहाँ से ऑयल लीकेज होने के चांस कम हो, क्योंकि प्रॉपरली टाइट होगा तो ऑयल लीकेज होने का चांस ही नहीं है। और ये नट भी हमने प्रॉपरली टाइट कर दिया ऑयल ड्रेन करने के बाद। सो गाइस, ऑयल फिल्टर प्रॉपरली फिटिंग करके अब हमने इसका कूलेंट चेक कर रहे हैं, ये देख सकते हो। यहाँ से इसकी कैप दे रखी है, इसको लूज करके और यहाँ से हल्का सा कूलेंट निकाल के, कूलेंट की ड्रॉप निकाल के चेक करेंगे, ये देख सकते हो ड्रॉप्स है। और कूलेंट की कंडीशन वैसे डाउन है, इसमें 1 लीटर कूलेंट हम ऐड करवा देंगे। गाड़ी लिफ्ट से डाउन कर रहे हैं क्योंकि नीचे का जो काम है हमारा हो चुका है। गियर ऑयल भी इसका ठीक है, वो भी हमने चेक कर लिया है। इंजन ऑयल ड्रेन कर दिया, ऑयल फिल्टर हमने लगा दिया, कूलेंट डाउन है, 1 लीटर कूलेंट हम डालेंगे। एयर फिल्टर चेंज करने वाले हैं, स्पार्क प्लग साफ करके लगाएंगे, एयर फिल्टर भी चेंज होगा। तो पहले हम कूलेंट डाल रहे हैं इसमें 1 लीटर निकाल के। सो ये हमारा स्क्रीन वॉश है, जो हम डाल रहे हैं, और ये हमारा एयर फिल्टर रहने वाला है MGP, और ये इसका AC फिल्टर है, ये बिल्कुल डाउन है, और ये न्यू वन हम फिटिंग करेंगे। और ये हमारा कूलेंट रहने वाला है वुड्स का, 1 लीटर। सो गाइस, प्लग इसका ना साफ करके इसके गैप मिला के अब हम इसकी फिटिंग करेंगे।
और जो इंजन ऑयल हमने इसमें यूज करा है वो कैस्ट्रोल का है। एयर फिल्टर हमने इसमें फिटिंग कर दिया है प्रॉपरली, और इसका कूलेंट कूलेंट भी डाल दिया है इसमें। एक बार गाड़ी स्टार्ट करेंगे और फैन ऑन करेंगे, उसके बाद फिर इसका लेवल पूरा करेंगे कूलेंट का। गाइज फाइनली सर्विसिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, बस इसका सीएनजी फिल्टर रह रहा है, अभी अवेलेबल है नहीं तो इसको बीच में हम चेंज करेंगे। इसके सस्पेंशन चेक कर रहे हैं, बाकी इसकी बेल्ट वगैरह दोनों, जो एसी बेल्ट है और फैन बेल्ट है, दोनों ओके हैं। थ्रोटल बॉडी में इतनी डस्ट है नहीं तो हमने साफ करी नहीं है। तो ये सर्विसिंग की वीडियो, बैटरी मोटर भी हमने चेक कर दिया है। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।